नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आरबीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। तो बेसिकली आरबीएनएल के ऊपर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि आरबीएनएल वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है। ऐसे में बात में क्यों बता रहा हूँ, सबसे पहले वो समझ लीजिए कि आरबीएनएल एक ऐसी कंपनी है जो लगातार एक हाई लेवल का ग्रोथेबल वो कर सकते हैं। मतलब क्या है, आरबीएनएल के ऊपर एक चीज़ को आपको हमेशा नोटिस करना होगा कि इस कंपनी के ऊपर जब भी आप काम करने के लिए जाएंगे तो एक चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है, इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली ऑर्डर मिलते चले जाते हैं और कंटिन्यूसली गवर्नमेंट का इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं। क्योंकि एक कंपनी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने वाला जितने सारे कंपनीज है उसके हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। क्योंकि कंपनी का अगर एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का काम क्या है। अगर मैं कंपनीज का बिजनेस दिखाने से पहले कंपनी का अगर क्वार्टर रिजल्ट दिखा दूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स इस बार भी हाइस्ट लेवल में देखने को मिला। तो जो पहले से ही कंपनी भाग रहे थे उसका एक अंदाज़ा लग गया था कि कंपनी का इस बार रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है। एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 345 करोड़ से 433 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब नेट प्रॉफिट एक बेस्ट तरीके से लेवल में यहाँ पे देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के अगर ऑफिशियली वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको आरबीएनएल के ऑफिशियली वेबसाइट जाकर ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे कंपनी टनल के ऊपर, साथ ही साथ न्यू लाइन, डबल लाइन और साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो इलेक्ट्रिफिकेशन जो है, साथ ही साथ वर्क हाउस जो है, ये सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का काम कर रहा है। कंपनी का टोटल 13 वर्क हाउस है, कंपनी टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन 8700 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कर चुके हैं। कंपनी जो गेज जो कन्वर्सन्स है उसके ऊपर 2000 किलोमीटर के ऊपर काम किया है और डबल लाइन्स के हिसाब से 4200 किलोमीटर के आसपास काम किया है। और न्यू जो लाइन्स है, न्यू लाइन 462 के न्यू लाइन्स और टनल्स भी कंपनी बना चुकी है। तो सोचिए कंपनी का बिजनेस किस हाई लेवल में है। गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि अपकमिंग टाइम्स में इंडिया में जो रेलवे सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। क्योंकि जो बुलेट ट्रेन के साथ साथ जिस तरीके से वंदे भारत को कंटिन्यूसली वो हर ट्रेन को रिप्लेसमेंट करके वंदे भारत करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बूस्ट मिलेगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर। इसका कोई प्रोजेक्ट आप कुछ प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इसीलिए हूँ, साथ ही साथ कंपनी का जो कैपेक्स है वो अलग लेवल का कैपेक्स आपको कुछ ही टाइम में देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए कुछ टाइम पहले कंपनी का कैपेक्स एकदम जीरो हो गया था। मतलब 2017-18 में कुछ कंपनी का कैपेक्स था, बीच में कंपनी का कोई भी कैपेक्स नहीं था, कंपनी कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया था। अभी 100 करोड़ के आसपास कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया। तो जब कैपेक्स बढ़ाया जा रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। उसके साथ साथ कंपनी के जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से बात करो, कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो आप देखेंगे तो टोटली जो MOR प्रोजेक्ट है, मतलब MOR प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर जो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो 82% हो रहा है। उसके साथ साथ मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर 9% का कंपनी का बिजनेस चला है। SPV के ऊपर 4.5%, अदर्स के ऊपर 2% और जोनल रेलवे प्रोजेक्ट के ऊपर 1%। तो टोटली 100% कंपनी बिजनेस इंडिया में ही कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट बना है उसके बारे में चर्चा करूँ उससे पहले कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर देखिए, म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटी को एडिंग किया और FS ने भी कुछ क्वांटिटी को एडिंग किया। और रही बात कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न में, देखिए यहाँ पे एक रेंज बना था, कुछ बाइंग रेंज बना 31% के आसपास और इस रेंज बेसिस में कंपनी जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब क्या बना, यहाँ पे एंट्री बना और एंट्री बनने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके उसको ऊपर लेके गए और बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। तो मुझे लगता है कि शानदार तरीके से टारगेट कंपनी अचीव की है। इस शानदार तरीके से टारगेट को अचीव करने के बाद कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि कंपनी एक फिर से कप बना चुके हैं, अब एक छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो मैं जरूर फिर से यहाँ पे एक एंट्री लेने वाला हूँ। जो पहले एंट्री था उसका टारगेट मिल चुके हैं, दूसरा एंट्री का मैं टारगेट के इंतजार करूंगा, पहले एंट्री का इंतजार करूंगा, एंट्री होगा तभी टारगेट बनेगा। क्योंकि यहाँ से अगर कंपनी भागते चले जाए तो मैं फिर से कोई फ्रेश एज ए ट्रेडिंग पर्पज में कोई भी एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। तो आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा केमिकल लिमिटेड। देखिए टाटा केमिकल बेसिकली टाटा ग्रुप की एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड हमेशा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि टाटा केमिकल जो प्रोजेक्ट है इस कंपनी के बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि टाटा केमिकल टाटा ग्रुप के एक सबसे एक एक ऐसे कंपनी है
जिसके ऊपर बहुत सारे टाटा ग्रुप ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे केमिकल का जो डिमांड है वो यही कंपनी फुलफिल करते हैं। 1939 में कंपनी स्टार्ट हुआ, आज का कंपनी है, बहुत पुराना कंपनी है। और बेसिकली कंपनी का परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस एक एवरेज लेवल के आसपास देखने को मिला है। वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, इनकम जबरदस्त है, डेप्थ थोड़ा सा कम है। अभी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कुछ दिनों पहले पब्लिश किया गया, रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी देखने को मिला। गड़बड़ी तो होगा ही, क्योंकि केमिकल का जो मार्केट में डिमांड है वो बहुत हद तक कम हो चुका है। तो केमिकल प्रोडक्ट का डिमांड कम हो और टाटा ग्रुप के केमिकल कंपनी का हालत पॉजिटिव रहेगा, ऐसे होगा नहीं। क्योंकि इस सेक्टर में, चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ, इस सेक्टर में आप खुद ही देख सकते हैं, जैसे SRF हो गया, लिंडा इंडिया हो गया, तो इस तरीके से कंपनीज को देखेंगे तो इसका हालत आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली सारे कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, लॉसेस में है। प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉसेस में है। और देखा जाए तो उसमें टाटा केमिकल भी है, दीपक नाइट्रेट भी है, गोदरेज इंडस्ट्रीज भी है, साथ ही साथ गोदरेज फ्लोरोकेमिकल्स भी है, साथ ही साथ SRF भी है। इतने बड़े बड़े दिग्गज कंपनी का हालत खराब है। देखिए लिंडा इंडस्ट्रीज का भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ अकेला पीडीलाइट का परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि पीडीलाइट केमिकल के साथ साथ अधिसम प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, इसीलिए जिसके लिए उस कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिला है। अभी इस केमिकल कंपनी के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है टाटा केमिकल्स के ऊपर, वो है कंपनी का कैपेक्स। क्या कंपनी इस बार कैपेक्स को इंक्रीज किया? बहुत हद तक कंपनी कैपेक्स को इंक्रीज किया। अभी देख सकते हैं कंपनी किस लेवल तक खुद के कैपेक्स को इंक्रीज किया। एक टाइम कंपनी का कैपेक्स अराउंड 500 करोड़ के आसपास था, वो बढ़ के आज 1800 करोड़ हो चुके हैं। मतलब एक बेस तरीके से कंपनी का कैपेक्स यहाँ पे देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग और भी बता दूँ, कंपनी के ऊपर ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसके साथ साथ डेप्थ ऑफ इक्विटी एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन, सब कुछ आपको बेस तरीके से देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है इस कंपनी का जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को समझते हुए मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बूस्ट एंड जर्नी आपको देखने को मिलेगा। तो टाटा केमिकल्स के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, एक रेंज यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इस रेंज के बेसिस में बात करूँ तो कंपनी के टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक देखो तो एक बिग रेंज यहाँ पे बना है। इस रेंज के बेसिस में जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब क्या बनेगा, यहाँ पे एंट्री बनेगा। इस टॉप लेवल में क्या बनेगा, एक टारगेट बनेगा, तो यहाँ पे एंट्री बनेगा और यहाँ पे टारगेट बनेगा। तो इस तरीके से सिचुएशन के बेसिस में इंतजार कर रहा हूँ, जब एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज क्रिएट हुआ है वो कंटिन्यूसली बाइंग का 42% का रेंज बना है। तो जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, उस सिचुएशन को कंप्लीट होने दीजिए, तब मैं आपके साथ जरूर डिस्कशन करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है अमर अजा बैटरीज। तो देखिए अमर अजा बैटरीज जो अभी नाम चेंज होकर हो चुके हैं, अमर अजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। तो बेसिकली अमर अजा बैटरीज इंडिया के नंबर वन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर इसका पेयर कंपनी के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं अमर अजा बैटरी जो है वो अभी इस सिचुएशन के हिसाब से देखें, एक साइड मार्केट कैप के हिसाब से नंबर वन है, उसके बाद अमर अजा है। क्योंकि देखिए ये सारे के सारे कंपनी ऑटो इंसिलरीज से बिलोंग करते हैं और ऑटो इंसिलरीज इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि ऑटो का जो डिमांड बढ़ रहा है उसके साथ साथ बाकी प्रोडक्ट का भी डिमांड बढ़ रहा है, और बैटरीज इंडस्ट्रीज के बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रोथ हो रहा है। इसीलिए क्योंकि अभी जो गाड़ी आ रहा है वो सोलर पैनल, मतलब सॉरी, जो ईवीज के ऊपर गाड़ी आ रहा है, वहाँ पे बैटरीज बहुत इंपॉर्टेंस है। तो बैटरीज का डिमांड इसलिए बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। और एक चीज़ को नोटिस भी करना कि हर कोई गाड़ी कंपनी यहाँ पे बैटरीज के लिए अमर अजा बैटरीज और एक्साइड बैटरीज को टेंडर दे रहा है, मतलब प्रोजेक्ट दे रहा है। तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। अभी अमर अजा बैटरी के ऊपर रिजल्ट किस तरीके से आया, देखिए सेल्स के आंकड़े के बारे में बात करूँ तो सेल्स का रिजल्ट पिछले सालों में पिछले क्वार्टर्स में बेस्ट तरीके से देखने को मिला और नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव हुआ था। अभी 28 तारीख को कंपनी का फाइनल क्वार्टर फोर का रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करने वाले हैं। अभी इस चीज़ को और भी समझिए, कंपनी के ऊपर जो एज ए इन्वेस्टर है, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक के ऊपर बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट है। अभी कितने इन्वेस्टमेंट है वो मैं आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के पास जितना होल्डिंग है, मैं एक बार आपको दिखा दूँ, म्यूचुअल फंड के पास जो ना के बराबर होल्डिंग हो गया था वो बढ़ के आज कितना हो चुके हैं, 4.5%, डबल हो चुके हैं। FS के पास 18% होल्डिंग था, वो बढ़ के कितना हो चुके हैं, करीबन 36%। तो अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा इन्वेस्टर के माध्यम से। अभी प्रोमोटर देखिए खुद खुद के होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं, प्रोमोटर के पास 28% होल्डिंग था, वो आज 32% होल्डिंग कर चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन कितना होल्डिंग कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंस तो है ही, साथ ही साथ प्रोमोटर खुद खुद को कंपनी के ऊपर माल खरीदारी कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव थिंकिंग तो बढ़ने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो व्यूज है वो मैं आपको एक बार दिखा दूँ। कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न में मुझे एक ट्रेड मिला था, कुछ इस तरीके से ट्रेड मिला, कप हुई धन्य पैटर्न का, पहले कप बना उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ
और ब्रेकआउट होने के बाद शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया। अभी देखिए जो टारगेट को अचीव किया, अगर उस टारगेट के बेसिस में यहाँ पे ग्रीन कैंडल स्ट्रेटेजीज को मैं मार्किंग करूँ तो ओवरऑल एक बेस्ट तरीके से एंट्री यहाँ पे मिलने वाला है। तो बेस्ट तरीके से एंट्री तब मिलेगा जब यहाँ पे इस रेंज के बेसिस में जब इस नीचे लेवल को टच करेंगे, मतलब 850 लेवल को जब टच करेंगे तब यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा और इस हाई लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा, मतलब इस हाई लेवल तक इसका टारगेट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली जो बाइंग रेंज बना वो टोटल रेंज निकल के आ रहा है। थोड़ा सा और भी जूम कर देता हूँ, कुछ इस लेवल तक होगा 41% के आसपास। तो बाकी मुझे नहीं लगता इतना आसानी से वो इतना नीचे गिरेंगे, अगर नेगेटिव सेंटिमेंट हुआ तो ही गिर सकता है, नहीं तो कंपनी यहाँ से ऊपर जाने के ही वो पोजिशन को कंटिन्यू करेंगे। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करें, उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, कंपनी का नाम है बलाक्सी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो बेसिकली 30 मई कंपनी क्या करने वाले, एक गुड अपडेट दे चुके हैं, गुड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। वो अनाउंसमेंट क्या है, स्प्लिट का, कंपनी एक के बदले 5 शेयर आपको देने वाला है। ठीक है, फेस वैल्यू 10 रुपया है, अभी 2 रुपये बनने जा रहे हैं, तो एक के बदले कंपनी आपको 5 शेयर यहाँ पे देने वाला है। तो जो लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी को रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।